दोस्तों आज का ये काउंटडाउन कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस काउंटडाउन में हम जानेंगे कुछ ऐसे दबंग ऑफिसर की स्टोरी जो कि अपनी ड्यूटी के लिए अपनी जान तक भी निछावर कर सकते हैं, और ये सभी ऑफिसर क्राइम का किस तरह सफाया करते हैं यही सारी चीज़ दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग दबंग ऑफिसर्स के ऊपर बनाई गई वेब सीरीज हैं आज के हमारे इस काउंटडाउन में, और इन सभी वेब सीरीज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 10, तमिल रॉक्स सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मूवी इंडस्ट्री में अच्छा खासा पैसा लगता है एक मूवी बनाने के लिए, लेकिन कुछ लोग इस मूवी को पायरेटेड कर देते हैं जिससे मूवी कंपनी को अच्छा खासा लॉस भी होता है। और इसी क्राइम को खत्म करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर को हायर किया जाता है, और वो पुलिस ऑफिसर इस क्राइम को खत्म करने में कामयाब हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं सोनी लिव पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.6। नंबर 9, हंटर सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है कैसे ऑफिसर से जो कि अपने परिवार को पूरी तरह से खो चुका होता है, लेकिन उसका एक ही मकसद रहता है कि मुंबई से किसी भी तरह से क्रिमिनल और क्राइम का सफाया कर दे, और लास्ट तक ये अपने काम को किस तरह अंजाम देता है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं अमेज़न मिनी टीवी पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.4। नंबर 8, जानबाज हिंदुस्तान के सीरीज बेस्ड है एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक IPS ऑफिसर से जो कि एक टेररिस्ट के बड़े मंसूबों को किसी भी तरह से फेल करना चाहती है, और असल में ये टेररिस्ट का मंसूबा क्या है और वो इस मिशन को किस तरह फेल करती है यही सारी चीज़ दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं Zee5 पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.2। नंबर 7, अपहरण सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है इंस्पेक्टर रुद्रा से जिसे एक डेडलीस्ट टास्क दिया जाता है, और उस टास्क को वो किस तरह कंप्लीट करता है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज की स्टोरी स्पेशली उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है जो कि एक्शन थ्रिलर सीरीज देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं बूट सेलेक्ट पर, और IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.3। नंबर 6, अभय सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के टोटल 3 सीजन्स रिलीज किए गए हैं। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो इस सीरीज की सबसे खास बात यह है दोस्तों, हर एक सीजन में आपको बहुत सारे एपिसोड्स नजर आएंगे, और हर एक एपिसोड की स्टोरी और हर एक एपिसोड का क्रिमिनल एक अलग ही होगा, और इन सभी केसेस को अभय किस तरह सॉल्व करते हैं यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं Zee5 पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8। नंबर 5, इंस्पेक्टर अविनाश सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है उत्तर प्रदेश, जहां पर CM को मारने की ही सुपारी दी जाती है, लेकिन इसी बीच इंस्पेक्टर अविनाश को उस क्रिमिनल को पकड़ने का टास्क दिया जाता है, और वो अपने इस टास्क को किस तरह कंप्लीट करते हैं यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं जियो सिनेमा पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.8। नंबर 4, दहाड़ सीरीज बेस्ड है मिस्ट्री एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे किलर से जो कि लड़कियों को पहले अपने प्यार के जाल में फंसाता है और बाद में उन्हें मार देता है, लेकिन उसके खून करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। सीरीज में देखने लायक यह है कि लास्ट तक पुलिस उस तक किस तरह पहुंचती है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Prime Video पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.4। नंबर 3, भोकाल सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट सीरीज एक्चुअल में एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है नवीन से जिसका पहला ट्रांसफर मुजफ्फरनगर में होता है, और वहीं पर जाते ही उसका सामना एक गैंगस्टर से होता है, और उस गैंगस्टर का सफाया वो किस तरह करता है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं MX प्लेयर पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.8। नंबर 2, खाकी द बिहार चैप्टर सीरीज बेस्ड है एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी एक्चुअल में एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक IPS ऑफिसर से जिसका पहला ट्रांसफर बिहार में होता है, और वहां पर जाते ही उसका सामना एक खतरनाक गैंगस्टर से होता है, और उस गैंगस्टर का सफाया वो किस तरह करता है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.2। और लास्ट नंबर 1 पर हम बात करेंगे दिल्ली क्राइम Season 2 सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी एक्चुअल में एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है चड्डी गैंग से जो कि दिल्ली में अच्छा खासा आतंक फैला चुकी होती है, और वो बहुत सारे इनोसेंट पीपल को भी मार चुकी होती है, लेकिन इसी बीच दिल्ली पुलिस चड्डी गैंग का सफाया किस तरह करती है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.5। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।